हे फ्रेंड्स, मैं हूँ पिंकी आर्या और आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया रिव्यू लेके आई हूँ जो कि है पतंजलि ओट्स पर। ये मेरे पास 500 ग्राम का पैकेट है और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ओट्स खाना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और सभी लोग जो कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर चाहते हैं, और ब्रेकफास्ट के अंदर अगर हम ओट्स खाते हैं तो हमें दिन भर एनर्जी मिलती है, तो ओट्स बहुत अच्छा माना गया है अपनी हेल्थ के लिए। तो पतंजलि ने ओट्स लॉन्च किया हुआ है, जो मेरी नज़र पड़ी इस पर तो मैं इसको लेके आई। ये इससे 200 ग्राम के पैकेजिंग के अंदर भी है और 500 और आई थिंक 1 केजी के पैकेजिंग में भी है। ये प्लेन ओट्स हैं और इसके अंदर एक मसाला ओट्स फ्लेवर भी है, वो इससे थोड़ा महंगा पड़ता है। तो इसकी पैकेजिंग पिंकिश कलर की पैकेजिंग है इसकी, इसके ऊपर लिखा हुआ पतंजलि ओट्स आयरन फाइबर एंड प्रोटीन, हाई फाइबर हाई आयरन हाई प्रोटीन, ये सब इसके ऊपर मेंशन है। और ये 500 ग्राम का पैकेजिंग है जिसका प्राइस है 75 रुपीज। तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मेंशन नहीं है, सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर कोई मिलावट तो नहीं है। ये पतंजलि ने ये मैगी में भी किया है, एक्चुअली मैगी का मैंने पूरा परफॉर्मा बनाया हुआ है, वो जब मुझे मैं उस पर पूरा उसका स्टडी कर लूँगी तो उसके बाद मैं इसका रिव्यू बनाऊँगी। इसका मैंने इसकी साइट पर भी चेक किया, इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन नहीं है उस पर भी। बाकी इसके अंदर जो न्यूट्रिशंस है वो है इसके अंदर है एनर्जी, प्रोटीन, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स, टोटल शुगर, फैट, सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल नाम मात्र का है, जीरो, और ये आयरन, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की हुई है। जो 100 ग्राम यानी पर पर्सन 100 ग्राम होता है, तो आई डोंट थिंक सो कि एक बंदा 1.5 कप ओट्स खा सकता है। 100 ग्राम मीन्स 1.5 कप ओट्स, तो इस ये मेजरमेंट ख़राब है 100 ग्राम का दिया हुआ है, जिससे इसको हाफ करना पड़ेगा। 50 ग्राम एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा होता है ओट्स, मैं रो ओट्स की बात कर रही हूँ। तो ये बनाने के बाद तो सिंपल ही है, बट पतंजलि को इसके इंग्रेडिएंट भी मेंशन करने चाहिए, क्योंकि अपने इंडिया में क्विकर ओट्स आते हैं जो कि एक यूएसए ब्रांड कंपनी है, जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि वो एकदम प्योर ओट्स है, उसके अंदर कोई मिलावट कोई वो चीज़ नहीं है। तो अगर आप हेल्थ के लिए ओट्स खा रहे हैं तो आप एक बार पतंजलि का ओट्स ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी भी इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि ये फुल्ली जो है एकदम नेचुरल ओट्स ही हैं, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि पतंजलि की साइट्स पर बाकी सारी चीज़ दी हुई है, इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन नहीं है। पता नहीं ऐसे रामदेव बाबा कर क्यों रहे हैं, बट जो भी है, इसको कैसे बनाएंगे वो इसके अंदर दिया हुआ है। थोड़ा सा दूध ले लीजिए आप, 1 कप या 1.5 कप दूध ले लीजिए, उसके अंदर 1/2 कप ओट्स डाल दीजिए और बस उसको स्टर कर लीजिए, उसके अंदर शुगर डाल लीजिए अपने हिसाब से और उसको खा लीजिए। ऐसे ही सिंपल इसके अंदर दिया हुआ है, और इसके अंदर लिखा हुआ है हेल्प टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, हेल्प टू मेंटेन वेट, 100% होल ग्रेन, बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चर, 12 महीने तक ये ठीक रहेगा, और बस इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। इसके अंदर एक मसाला ओट्स का भी है, मैं मसाला ओट्स को प्रेफरेंस नहीं देती हूँ, क्योंकि जो रियल ओट्स होते हैं वही ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है, अगर आप हेल्थ के लिए इसको खा रहे हैं, तो अगर आप कोई बॉयज़ अपने मसल्स बिल्डअप करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ओट्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो अपने इंडिया में क्विकर ओट्स चल रहे हैं जो कि 100% ओट्स ही हैं, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, आप वो ले सकते हैं। अगर इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट मिल जाती तो मैं इसको भी बोल सकती थी कि ये एकदम ओरिजिनल ओट्स हैं, बट इसके अंदर है नहीं तो मैं इस पर श्योर नहीं हूँ। तो ये था मेरा पतंजलि ओट्स का रिव्यू। अगर आपको मेरा रिव्यू वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए आगे से और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। और हाँ, एक बात और, अगर आपको इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट कहीं मिलती है या मुझसे कोई चूक हो गई हो इसको ढूंढने में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।